बिजनौर में आए दिन गुलदारों के हमलों से होने वाली मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से अपने खेत पर काम कर रहे एक बुजुर्ग किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की उम्र लगभग 70 साल की थी और ये गांव श्रीवासुचंद के रहने वाले थे। परिवार वालों का कहना है कि ये अपने खेतों पर काम करने गए थे। दोपहर के वक्त अचानक पीछे से इन पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही किसान की मौत हो गई। वन विभाग सिर्फ मौतों का आंकड़ा ही जमा करने में लगा हुआ है, जबकि गुलदार लगातार शिकार पर शिकार किए जा रहा है। कहाँ की रहने वाली है? एक की रहने वाली हूँ, शेरवेस्टर। ये जो आज घटना हुई है, क्या हुई है, क्या मामला है? मैं बरसिंह काट पा रही थी तो ये मैंने ऐसे लिखे हुए देखे। किन्ने देखा आपने? मैंने देखे। किन्ने देखा आपने? अपने जेठ को। क्या नाम है उनका? तुंगल सिंह। अच्छा, इस मामले की आपने सूचना किसे दी? मैंने अपने देवरों को दी। जाएगा मेरे देवत के, ये तो हमारा कुटुंब परिवार है सब। फिर मैंने खून में कपड़े सने हुए देखे थे, मैंने रोल मचा दी घर जाए के। मैंने की उनके पिता खत्म हो गए, उनके पिता मार दिए, काई ने मार दिए। तो आपको क्या लगता है कैसे खत्म हुए हैं ये? अब कोई जिनावर तो देखा नहीं। अब ये टैट हुआ, इनके को गर्दन हुई पड़ी थी, ये फटा पड़ा था, तो इस वजह से मैंने रोल मचाई। आपने किस हालत में इन्हें यहाँ पड़ा देखा था? खत्म हो गए थे जी, मैंने आवाज मारी, खत्म हो गए थे उस टाइम जी। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं क्षेत्रीय सहायक हूँ। अभी एक सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग है जिनका नाम तुंगल सिंह है, उनको किसी जानवर ने हमला कर दिया है, उनकी डेथ हो गई है और मौके पर पुलिस भी आ गई है। मैंने अपने उच्च अधिकारी को सूचना दी थी, वो भी मौके पर आने वाले, अमानगढ़ का स्टाफ आ गया और इसकी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी जा रही है और जो है पीएम रिपोर्ट आने पर पता लगेगा। जी क्या नाम आपका? मोहम्मद अब्बास नाम है मेरा जी। ये क्या घटना हुई है? ये मैं कासमपुर गढ़ी में तैनात हूँ, क्षेत्र सहायक, और मुझे एक सूचना मिली थी कासमपुर गढ़ी शेरवाचन में एक बुजुर्ग के हमला कर दिया जानवर ने। मैं तो मौके पे पहुँचा हूँ और मेरे साथ में स्टाफ भी है, मानगढ़ रेंज का भी और नगीना रेंज का भी। मौके पे डेड बॉडी देखी, अधिकारी आ रहे हैं। सर प्रथम घटना तो बड़ी दुखद है और ये बुजुर्ग व्यक्ति पर जो है गुलदार के द्वारा जो है प्रथम दृष्टा लग रहा है कि गुलदार द्वारा ही हमला करा गया जी। और इसके लिए जो है वन विभाग प्रथम तो पिंजरा लगाने की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। अभी तत्काल में पिंजरा लगाया जाएगा, ठीक है, शाम तक हम लगवा देंगे। और जो उचित मुआवजा जो मतलब सरकार द्वारा जी, सरकार द्वारा जो मुआवजा और हमारे द्वारा वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है, करीब 5 लाख रुपए होता है जी, वो दिया जाएगा, जितनी हर संभव सहायता करी जाएगी। और अभी भी मैं स्टाफ के साथ में कुंभिंग कर रहा हूँ, कुंभिंग करके जी, अच्छा, उसकी तलाश की जाएगी। हाँ, उसके पदमार्ग देखते हैं कि किधर से गुलदार को पकड़ने का भरसक प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रकार की दोपहर में पहली घटना मैं देख रहा हूँ अपने कार्यकाल जो मेरा इधर का नगीना क्षेत्र में। 3 महीने के करीब मैं पहले हो तो कई कई घटनाएं पर वो सुबह शाम की हुई, जो दोपहर में जो हुई है पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के सोए आदमी पर पहली बार अटैक किया गया जी। और वो भी गांव के एकदम समीप जी। हाँ, है घटना बहुत दुखद, काफ़ी दुखद है इसे, पर होने कौन डाल सकता है इस तरह की, ठीक है। मैं जितना प्रयास होगा मैं प्रयास करूँगा सहायता करने के लिए परिवार के लिए। थैंक यू।